हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अडर। सो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं हूं विवेक और यहां पे हाजिर हूं यहां पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट यानी कि चैनल का होस्ट विवेक सिंह। सो दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को लेकर, यानी कि आज का जो मेरा वीडियो है ये बेस्ड है स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को लेकर। ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो कि IIT स्टूडेंट्स हैं और साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको जो फीस देना, आप सबको पता है कि IIT में एडमिशन लेना भी मुश्किल होता है। जब एडमिशन हो भी जाता है तो उसके बाद उसके फीस को पे करना वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फीस वहाँ पे ज़्यादा फीस होता है, तो उसके लिए भी उनको लोन लेना पड़ जाता है। तो इसलिए उनके बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे कि सर क्यों ना आप ऐसा कोई स्कॉलरशिप बता दो कि हम उस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दें और हमें वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है फीस हम अपने कॉलेज का चुका सकें। सो दोस्तों बिल्कुल ही मैं ऐसा स्कॉलरशिप आज लेकर आया हूँ जिसको आप अप्लाई करके, यानी कि जो आपका मेरिट है, एकेडमिक बेस्ड है, उस बेस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा और साथ में जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा और उसके थ्रू अपने कॉलेज का, यानी कि जो आपके IIT कॉलेज है, उसका फीस आप चुका सकेंगे। तो दोस्तों जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज का जो हमारा स्कॉलरशिप टॉपिक है वो है आपका पैनासोनिक रट्टी छात्र स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि 2022-23 यानी कि इस साल जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एडमिशन लिए हैं IIT में, यानी कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि इस साल 2022-23 में अप्लाई करके अभी फर्स्ट ईयर जैसे ही हुआ एडमिशन लिए हुए, यानी कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिर से बता दूँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि IIT में स्टडी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फर्स्ट सेमेस्टर उनका पास हो गया है, सेकंड सेमेस्टर में, तो अप्लाई वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक अभी सेकंड सेमेस्टर में ही होंगे वो मेरे ख्याल से। या फिर आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, जितना भी आप हो सकता है ध्यान रखना है, हर एक बात का ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते टाइम। सो आपको मैं एक एक डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको क्लिक कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मेल आईडी से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको सारे डिटेल्स भर देंगे। क्या क्या डिटेल्स मांगेगा मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, जो कि आप अपने IIT का जो भी फीस है चुकाने में आप जो है असमर्थ हो जाएंगे। सो चलिए डिटेल बताता हूँ। सो पैनासोनिक जो है रट्टी छात्र स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-23 यानी कि 2022-23 बैच के लिए जो स्कॉलरशिप है ये ऑफर्ड किया जा रहा है, यानी कि इसका जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है वो पैनासोनिक कंपनी है। आई थिंक आपने पैनासोनिक कंपनी का नाम सुना होगा, तो वो ये स्कॉलरशिप दे रही है। कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, ये स्कॉलरशिप आपको टोटल दे रही है 42,500, यानी कि 42,500 रुपये का आपको स्कॉलरशिप दे रही है पर ईयर, यानी कि साल में 42,500 का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, 4 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 4 साल तक आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर रहे हैं, यानी BE BTEC कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब थोड़ी और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके फैमिली इनकम को लेकर, यानी कि आपके पूरे फैमिली का अगर हम इनकम की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 लाख, ओके, कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 8 लाख से आपका जो फैमिली इनकम है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आती है अगले हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तब आते हैं मार्क्स, कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। सो आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में टोटल जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए 75% एटलीस्ट होना चाहिए। अगर एटलीस्ट आपका 75% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया परसेंटेज की बात हमने कर ली, फैमिली इनकम को लेकर बात कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और डिटेल में, आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूँ कि आधार कार्ड लगेगा, साथ में आपके कॉलेज का एडमिशन लेटर लगेगा, क्योंकि ये प्रूफ के तौर पे उनको भेजना होगा, अपलोड करना होगा, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई IIT में एडमिशन ले चुके हैं। तो एडमिशन लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, साथ में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एडमिशन लेटर के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी रिसिप्ट है, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आपके जो IIT कॉलेज का फीस कितना है, सेमेस्टर वाइज कितना फीस वो लोग लेते हैं, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी रिसिप्ट है वो भी आपको अपलोड करना होगा, साथ में क्लास 12th का मार्कशीट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप बता दूं कि अगर जिनका क्लास 12th का मार्कशीट अभी तक भी नहीं आया है तो आप, तो उनके पास अगर कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, कोई भी प्रोविजनल मार्कशीट है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं भी है तो प्रोविजनल मार्कशीट जो अभी कहीं नेट से डाउनलोड किए होंगे वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका फाइनल मार्कशीट नहीं आया है तो। इस बात को ध्यान में रखना है।
चलिए ये हो गया सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। सो इस स्कॉलरशिप को जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। स्कॉलरशिप फिर से बता रहा हूँ कि पर ईयर मिलेगा 42,500, यानी कि 42,500 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा साल में एक बार, और ये 4 साल तक को मिलेगा आपको, ठीक है। या अगर बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल, अगर सब नहीं कर रहे तो इस बात को आपको ध्यान में अपना रख लेना है। कौन सा आपका कोर्स है वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप बीई कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, अभी फर्स्ट ईयर में है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। 75% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। फैमिली इनकम टोटल, यानी कि पूरे सालाना आमदनी जो है आपके परिवार का, वो 8 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा डिटेल वहाँ पे भर देना है, साथ में बैंक डिटेल्स भी अभी आपको अपलोड करना होगा। बैंक डिटेल्स अपलोड करते समय बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये लोग बैंक डिटेल्स पहले क्यों ले रहे हैं, ये लोग हमेशा पहले ही लेते हैं, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बैंक डिटेल्स वो पहले लेते हैं ताकि जो जब स्कॉलरशिप अकाउंट मिले तो आपको आपके अकाउंट में सीधे पैसे आ जाए, इस बात को ध्यान रखना। और बैंक डिटेल्स में आप अपना अपलोड कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के किसी भी मेम्बर का भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि बैंक डिटेल्स जो आपका ही होना चाहिए। सो सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई कीजिए, फॉर्म को भरिए। लास्ट डेट जो इसका है 11 नवंबर है, 11th नवंबर से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है, यानी 11th नवंबर 2022 से पहले आपको भर देना है। सो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरिए, देरी मत कीजिए, और इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए और अपना जो है कॉलेज का फीस जो है भर पाएंगे आप। सो दोस्तों, मैं मिलूंगा ऐसे ही स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन जॉब रिगार्डिंग वीडियो के साथ किसी और दिन और किसी नए टाइम के साथ, या फिर हो सकता है इसी टाइम के साथ मिलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, टिल देन दिस इज एक्शन साइनिंग ऑफ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।